आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, कल मेरी रोटी के ऊपर जो है ना वो साफ मोहम्मद लिखा हुआ था. कैन यू गाइस सी इट टू? तो फिर आज दोबारा मुझे जो है ना वो मकई की रोटी खानी थी, तो अम्मी बना रही थी और मैं सुबह सुबह उनके सर पे पहुंच गई. मैंने कहा मैं तो रिकॉर्ड कर लूं फटाफट. और सच में अब मुझे लगता है कि यार सारे काम इतने सिंपल होते हैं, बस देखने में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होते हैं. तो खैर, आपने मकई का आटा लेना है, उसको छान लेना है, उसके अंदर नमक और घी डालना है और बॉइल करके वाटर डाल के उसको जो है ना अच्छी तरह गूंद लेना है. और उबलते हुए पानी से जब आप आटा गूंदेंगे तो बी वेरी केयरफुल विद योर हैंड, क्योंकि भाई हमारे तो जलेंगे, इन लोगों की प्रैक्टिस हुई हुई है. मैं समझती होती थी अम्मी इस रोटी को बेलती है, लेकिन मुझे तो आज पता चला कि इन्होंने तो सही जुगाड़ तरीका लगाया. तो वो ऐसे करती है कि वो हल्का सा हाथ पे ऐसे थोड़ी सी बना के उसके बाद तवे पे डाल के उसको कपड़ा लेके साफ अच्छी तरह उसको फैला लेती है. और ट्रस्ट में यार ये बड़ा आसान है और एक सेकंड लगता है. उसके बाद बस आप घी लगा के दोनों तरफ से उसको अच्छी तरह पका लो और इस तरह वो टूटती भी नहीं है बिल्कुल. और जो उसकी वो होती है ना, मतलब आपने ज्यादा बारीक भी नहीं करनी होती है और ज्यादा मोटी भी नहीं रखनी होती है और बहुत फिट बनती है. और जो लोग मुझे कह रहे हैं ना कि हमसे चावल के आटे की रोटी नहीं पक रही, मतलब बिल्कुल सही नहीं पक रही, यार आप लोगों को पता भी नहीं है कि मैंने पता नहीं कितने साल कोशिश करने के बाद मुझे अब फाइनली बनाने आई है. तो वो टेंशन नहीं लेनी, मैंने तो कितना आटा जाया किया यार, ये ऐसे रोता रहता हमारा छोटा सा ड्रामेबाज. तो बस फिर खैर मैंने नमाज वगैरह पढ़ी और इस साल का जो मेरा गोल है ना यार, मैंने बाल लंबे करने हैं और ये गोल मैंने अब सेट किया है अपना. मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसके कैस्टर ऑयल से बहुत लंबे बाल हुए हैं, तो मैंने कहा यार मैं क्यों पीछे रहूं. और ये मैं अपनी फ्रेंड से हेल्प ले रही हूं. तो खैर मैं बता रही थी यार मुझे इतना शौक चढ़ा हुआ ना आजकल बाल लंबे करने का, क्योंकि मैं जब से आई हूं ना मुझे दो चार लोग कह चुके हैं कि बाल क्यों इतने छोटे हो गए हैं, तो अब मुझे टेंशन शुरू हो गई है. तो अब मैंने सोच लिया कि इस पूरे साल मैंने बाल नहीं कटवाने अब. और ये माशाल्लाह इतने अच्छे मूड में हुआ था. कोई नहीं, कभी कभी हमारा अच्छा मूड भी हो जाता है. तो खैर एनीवेज, हम सारे जो है ना वो जरिश की बर्थडे सेलिब्रेट करने गए हुए थे और जरिश मुकीत की भांजी यानी मेरी नंद की बेटी है. और हमारी बर्थडे गर्ल को ही बुखार हुआ हुआ था. और ये मैं माया बजी को जो है ना सारी ईद के गिफ्ट्स और उसके कपड़े वगैरह, मतलब जो उसके बर्थडे गिफ्ट्स थे वो दिखा रही थी, क्योंकि हमारी बर्थडे गर्ल जो है ना वो सो चुकी थी. तो हमने कहा यार केक बाद में काटेंगे, पहले जो है ना गिफ्ट्स देख लेते हैं. ये जो बच्चे बाहर से आते हैं ना, ये घरों में बहुत ज्यादा आइसोलेट हुए होते हैं, तो मतलब वो तो अपने अम्मा अब्बा के अलावा किसी को कुछ समझते ही नहीं, मतलब वो अकेले रहे होते हैं, तो वो उसी माहौल के आदि होते हैं ना. तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि यार मैंने तो सही फैमिली ओरिएंटेड करके लेके जाने हैं. तो बस फिर हमने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की. आजकल सबकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई पड़ी है ना, मतलब नजला, खांसी, बुखार और नाक बंद, सब तो बहुत कॉमन हुआ है. और बच्चे बेचारों को अगर फ्लू हो जाए तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है. इतनी देर पहले नेबुलाइज करवाया और मारिया बच्ची ने इतने मजे की टेक्निक लगाई हुई है ना, वो उसको कहती है कि ये मेकअप हो रहा है, मेकअप हो रहा है, और वो फिर चुप करके मास्क लगवा लेती है. तो खैर एनीवेज, मैं उनसे कह रही थी, मैं कहा मुझे तो ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपसे, इस तरह इनको कौन कौन सी कहानियां सुना के अपनी बातें मनवानी है. और वो मुझे कहती है कि ये सारा कुछ नेचुरली आ जाता है आपको. तो बस फिर खैर हम लोगों ने जो है ना होम पार्टी की. और फिर वापसी पे मुझे याद आ गया कि यार मैंने तो एडी के गोलगप्पे खाने, किसी जमाने में तो ये इतने ज्यादा मशहूर थे ना, लेकिन अब कोई इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, मतलब ठीक है नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है. और ये जो दी बॉडी शॉप का लव एंड प्लम्स है ना, इस फ्लेवर की खुशबू मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, इतनी मजे की फ्रूटी स्मेल है. और ये भाई साहब जो है ना खिदमतें करवा रहे हैं अपनी अम्मा से. मैं सोचती हूँ ये बड़ा होगा ना फिर मैं इसको दिखाऊंगी कि ये इसका बचपन तो मैंने सही रिकॉर्ड कर लिया. एनीवेज थैंक यू, बाय.